आईएएस अधिकारी रानी नागर सुबह चंडीगढ़ से अपने पिताजी के घर गाजियाबाद के लिए रवाना हुई थी, तो रास्ते में घरोंडा टोल टैक्स के पास गाड़ी अचानक खराब हो गई, जिसको लेकर आईएएस अधिकारी ने अपने विभाग के डायरेक्टर से मदद मांगी। वहां से कोई मदद या जवाब न आता देख अधिकारी ने फेसबुक के माध्यम से मदद मांगी। आपको बता दें कि इस पोस्ट को मधुबन अकेडमी में तैनात जवान ने भी देखा। फेसबुक पर पोस्ट देखने के बाद मधुबन कॉम्प्लेक्स में तैनात जवान ने रानी नागर की मदद की। गाड़ी को मुश्किल से घरोंडा एक मैकेनिक गैरेज तक पहुंचाया गया। गाड़ी के ठीक होने के बाद वह घर के लिए रवाना हुई। इस बारे में आईएएस अधिकारी रानी नागर ने बताया कि वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर तैनात थी। रानी नागर ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वह पिछले 2 साल से इस पद पर तैनात थी। उन्होंने बताया कि उन्हें यूटी गेस्ट हाउस में सिर्फ एक कमरे के मकान में समय व्यतीत करना पड़ रहा था। कई बार मकान की मांग की गई थी, लेकिन उन्हें मकान नहीं दिया जा रहा था। हम 2 महिलाएं एक कमरे के मकान में रह रही थी। पहले भी वह 2 साल ऐसे ही यूटी गेस्ट हाउस के एक कमरे के मकान में रह चुकी हैं। स्थिति में ड्यूटी करना बहुत ही मुश्किल था, जिसको लेकर आईएएस पद से त्याग पत्र देना उचित समझा। घरोंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। जी बताइए मैम, कैसे जो गाड़ी खराब हो गई है, किस तरह की आपको लगता है कि सरकार ने किस तरह बंद कर दो? मेरा नाम रानी नागर है। मैंने आईएएस के पद से आज इस्तीफा दिया है। 4 मई 2020 को प्रातःकाल में मैंने हरियाणा सरकार से परमिशन मांगी थी कि मुझे जो सरकारी गाड़ी मुझे कार्यालय में दी जाती थी HR03M 6605, उस गाड़ी से मैं अपने घर तक जा सकूं, क्योंकि बसें अभी चल नहीं रही हैं। तो मैं चंडीगढ़ से सुबह चली थी लगभग 11 बजे, और घरोंडा टोल के पास आके ये गाड़ी ख़राब हो गई है। मैंने कार्यालय में भी फ़ोन करके मदद मांगी। मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में। मैंने अपने डायरेक्टर साहब से फ़ोन पर मदद मांगी है, अभी तक उनकी तरफ से कोई मदद नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे एक प्रदीप खटाना जी भाई साहब हैं, ये हरियाणा पुलिस में काम करते हैं और गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। ये आए हैं यहाँ पे मदद करने, और आकर इन्होंने हमारी यहाँ गाड़ी ठीक कराई है। इनको ये जानकारी हमारी फेसबुक पोस्ट से मिली, क्योंकि मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी अपनी गाड़ी की दिखा के कि हम यहाँ रास्ते में घरोंडा टोल पे खड़े हैं, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में, जिस तरह की लापरवाही आपके साथ? लेकिन मैं, मेरे साथ जो जो घटनाएं होती हैं, जितने क्राइम होते हैं, उसके बारे में सूचना मैं अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर करती रहती हूं। और मेरी जान को इतना खतरा हो गया था कि अब मैं ड्यूटी नहीं कर पा रही थी। लॉकडाउन के दौरान भी मेरी जान पर खतरा बना हुआ था। मैं यूटी गेस्ट हाउस में एक कमरे में पिछले 2 साल से नज़रबंदी की सी हालत में रह रही थी। मुझे मांगने पर भी मकान नहीं दिया गया। एक कमरे में यूटी गेस्ट हाउस में 2 महिलाओं का पूरे लॉकडाउन में बंद पड़े रहना, ये उचित नहीं है। और उससे पहले भी मुझे 2 साल तक क्यों यूटी गेस्ट हाउस में रखा गया, ये मेरे को उचित नहीं लगा। और इससे अलग मेरी ड्यूटी पर मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपके साथ सदा साझा करती रही हूँ, आगे भी साझा करूँगी। जितनी जानकारी मुझे RTI से मिली है, मेरे बारे में सरकार ने क्या फैसले लिए हैं, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगी। जो RTI के डॉक्यूमेंट है अपने फेसबुक पर शेयर करूँगी। तो जैसे मैं लगता है आप अपने घर जाना था, तो गाड़ी भी सरकार ने इस तरह की दे दी कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं? यही गाड़ी मेरे साथ ड्यूटी पर रह रही थी, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में, मैं इसी गाड़ी से काम कर रही थी। तो आज घर जा रहे थे जी? हाँ, आज इस्तीफा दे दिया, इसलिए घर जा रही हूँ गाजियाबाद, चंडीगढ़ से गाजियाबाद। गाजियाबाद में मेरे पिताजी का घर था, वहीं पर जाकर रहूँगी। वहाँ पर मेरा केस चल रहा है और अपने केस को मैं वहाँ से लूँ। मैं सभी का ये आभार करना चाहती हूँ कि आप सबकी मदद से हमें जाने के लिए पास मिल गया, सरकारी गाड़ी मिल गई, नहीं तो हम यूटी गेस्ट हाउस में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.